तो फाइनली फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं सामने में ये जो बिल्डिंग है ये पलामू का इंजीनियरिंग कॉलेज है। हालांकि इससे पहले मैं यहाँ का कोई भी ब्लॉग लेके नहीं आया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द आपको एक यहाँ का ही ब्लॉग दिखाऊँ जो प्रॉपर इस जगह का हो, इस कॉलेज के बारे में हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको टाइटल में दिखा कि नेटरहाट का ट्रिप है और मैं आपको यहाँ पे पलामू का दिखा रहा हूँ, ये पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में दिखा रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ डाल्टनगंज और आज के ब्लॉग में मैं आपको नेटरहाट का ही ट्रिप दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे डाल्टनगंज, डाल्टनगंज से हमें चाचा जी के साथ जाना है नेटरहाट। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम जो जा रहा था तो मेरा प्लान था कि अकेले जाऊँ या फिर कोई फ्रेंड लोग के साथ, लेकिन ऐसा कोई प्लान बन नहीं पाया। मैंने लगभग दो तीन दोस्तों को कहा तो कोई अभी जाने को तैयार नहीं थे। लास्ट हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई एक फैमिली ट्रिप कर लेते हैं। और यहाँ से मैं बाइक से जा रहा हूँ अपना TVS स्पोर्ट, जिससे मैं ब्लॉगिंग रेगुलर करते आ रहा हूँ और जिस पे आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में आपको हम दिखाने वाले नेटरहाट का ब्लॉग। फिलहाल मैं हूँ दुबिया खाल डाल्टनगंज में, डाल्टनगंज से अप्रॉक्स 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर रहिए। यहाँ से पीछे जो आपको एक गेट दिख रहा होगा आप देख सकते हैं, ये गेट से हम लोग जाते हैं बेतला नेशनल पार्क, पलामू किला और नेटरहाट। इससे पहले के ब्लॉग में मैं आपको बेतला नेशनल पार्क और पलामू किला दिखा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर वीडियो को चेक कीजिए। काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला था। और बात रही नेटरहाट का, नेटरहाट फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और आज मैं नेटरहाट का ही ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, तो उम्मीद है वीडियो को काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में एक लाल का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए तो उसके अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। एक बार मैं आप चाहूँगा आप देख सकते हैं ये जो रास्ता सामने से है, ये डाल्टनगंज से आता है, ये रांची रोड है और हम लोग यहाँ से कटेंगे जो कि सीधा हम लोग निकल जाएंगे। ये सामने आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं मंडल डैम बरवाडी के सीधा ये रास्ता जाता है। नेटरहाट यहाँ से 124 किलोमीटर है, बरवाडी 18 किलोमीटर, बेतला नेशनल पार्क मात्र 13 किलोमीटर यहाँ से है। तो चलिए चल के दिखाते हैं। और सामने में ये जो आपको प्रतिमा दिख रहा है ये राजा मेदिनी राय की प्रतिमा है। तो फिलहाल यही, और इसके बाद चलिए मिलते हैं आप लोगों से हम ब्लॉगिंग मोड में और आपको दिखाते हैं क्या सीन देखने को मिलता है, क्या नज़ारा देखने को मिलता है। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और आज हमारे साथ है पार्थ, देखिए हमारे साथ में है, और मेरे चाचू लोग आगे में हैं तो हम लोग उन्हीं के साथ जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ब्लॉगिंग मोड में। और दोस्तों, अगर बात करते हैं आज के ट्रिप का, तो यार ये मतलब मेरी लाइफ का सबसे यादगार ट्रिप होगा। रीज़न है कि मतलब झारखंड में रहते हुए भी मैं आज तक नेटरहाट नहीं जा पाया था, मतलब आज तक मैं नेटरहाट गया नहीं था। हालांकि मैंने जैसा इससे पहले मैं स्टोरी में आपको बताया भी था कि नेटरहाट जाने का शौक़ मुझे बचपन से ही था, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था। लेकिन सडनली प्लान बना कि चलो भाई चलते हैं, होके आ जाते हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं नेटरहाट के लिए। फिलहाल जो जिस लोकेशन पे हैं ये है बेतला नेशनल पार्क, यहाँ का भी ब्लॉग मैं बनाया हूँ, आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बात रहा बेतला नेशनल पार्क खुला है कि नहीं, तो अभी बेतला नेशनल पार्क बिल्कुल खुला हुआ है, आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं, यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। अगर यहाँ का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी यहाँ का ब्लॉग देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने के बाद। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आगे से यहाँ पे आपको एक चौक टाइप का दिख रहा होगा, देख सकते हैं चेकनाका जो है, यहाँ से क्रॉस करने के बाद आप जा सकते हैं डायरेक्ट पलामू किला के लिए। यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना होता है, लेफ़्ट लेके अप्रॉक्स 5 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है जो कि आप डायरेक्टली पलामू किला जा सकते हैं। तो इसके बाद चलिए, हम लोग तो आज पलामू किला जा नहीं रहे हैं तो इधर घुसना नहीं है, सीधे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नेटरहाट के लिए। और आगे में जो भी सीन जो हमें लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हालांकि जैसा कि मैं इससे पहले ही बहुत सारे लोगों का ब्लॉग देख चुका हूँ तो उसमें तो यार जैसा देखने को आता है कोई भी ऐसा सीन ना हो जो स्किप करने लायक हो, कोई भी ऐसा सीन ना हो जिसे शूट नहीं किया जा सके। लेकिन इतना लंबा डिस्टेंस का जो ब्लॉग बनेगा यार, मतलब समझ सकते हैं कितना लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सारा सीन कवर नहीं करूँगा, मैं कुछ कुछ सीन को कवर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
और अभी मैं गुजर रहा हूँ एक छोटे से गांव से, इसका नाम शायद गारू है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से ही मुझे पहाड़ दिखना शुरू होना हो चुका है। यहाँ से आपको सामने में दिख रहा होगा, पहाड़ दिख रहा है और हम लोगों को चढ़ाई हल्का हल्का मिलना शुरू हो चुका है। और आज जो हम लोग जा रहे हैं, अप्रोक्स 3900 फीट की ऊंचाई पे जाने वाले हैं। और आप लोग तो जान ही सकते हो भाई साहब, अगर झारखंड के रहने वाले हो, आप यहाँ पे घूमे हो, तो आप उस जगह के बारे में अच्छे से जान रहे हो। अगर आप नहीं आए हो तो आप एक बार आके देखो, काफ़ी कमाल का सीन है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और इस गांव की मैं बात करूँ तो इस गांव का जो नज़ारा हमें देखने को आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब गाँव काफ़ी छोटा है, लेकिन दोनों साइड खेत खेत में लगा हुआ जो फसल है, ये सारी चीज़, मतलब हरियाली इतना मत कमाल का है कि मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। आप एक बार आके देखो, ऐसे जगह को फील करो, तो जो फीलिंग आएगी, मतलब आप सही बता रहा हूँ, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और देख सकते हैं सामने आपको पहाड़ दिख रहा होगा, हम लोगों को उससे भी ऊपर जाना है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहना। और फाइनली जो है, हम लोग घाटी का चढ़ाई चढ़ना शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने में आपको दिख रहा होगा किस टाइप का, मतलब घाटी है, कैसा चढ़ाई है। और मतलब टर्निंग यार, इतना कमाल कमाल का टर्निंग है कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। एक बार आप और देखो, सामने में आपको पहाड़ भी दिख रहा होगा, तो यहाँ से मैं आपको पूरा घाटी दिखा रहा हूँ। पूरा घाटी मतलब टाइम तो लगभग 16 किलोमीटर जैसा है, तो 16 किलोमीटर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पूरा घाटी दिखाऊँ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये घाटी किस टाइप का है। और सामने का पहाड़ का जो नज़ारा है आपको दिख रहा होगा, आप जो फील कर रहे होंगे भाई साहब, मैं जो फील कर रहा हूँ तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ, और जो कैमरा, आप भी जान रहे हो कि गोप्रो में एक्शन कैमरा तो है, लेकिन जो उस टाइप का जूमिंग पावर नहीं है, तो उस टाइप का मतलब एक्सप्लोर हो नहीं पाता है कोई भी चीज़। और जैसे ही आप जब क्रॉस करोगे, तो आपको दिखेगा रोड के साइड साइड में छोटा छोटा झील टाइप का, सॉरी ये झरना टाइप का दिखेगा, तो ये और भी खूबसूरत बना देता है इस जगह को। तो चलिए आपको दिखाते हैं घाटी का जो चढ़ाई है वो किस टाइप से है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरा घाटी को देखो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेटरहाट, नेटरहाट जाके हम लोग वहाँ पे सनसेट देखने वाले हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग मतलब अभी यहाँ पहुँच चुके हैं नेतरहाट। आपको हालांकि ये नेतरहाट यहाँ से अभी भी लगभग 4-5 किलोमीटर के आसपास ऐसा कुछ डिस्टेंस है। अगर मैं आपको पीछे अगर दिखा दूँ तो ये मिश्री मोड़ करके यहाँ पे है, तो मतलब हम लोग यहाँ भी पहुँच चुके हैं। मतलब बिलीव नहीं हो रहा यार कि जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी कमाल का सीन था। मतलब कोई भी ऐसा सीन जो कि स्किप करने लायक नहीं था, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाता कि मतलब आप देख नहीं पाते, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि उतना लंबा वीडियो देखना पॉसिबल है नहीं। तो मैंने शॉर्ट में करके वीडियो लिया है। और एक बार मैं आपको यहाँ पर अगर दिखा दूँ, नेतरहाट में आपका स्वागत है ऐसा करके एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार अंदर आपको चल के दिखाता हूँ अंदर का क्या सीन होने वाला है। हालाँकि रोड में ये सब गाड़ी आपको जो दिख रही है, जो ट्रक आपको दिख रहा है पीछे में, ये बहुत ज़्यादा और एक तो सिंगल रोड तो आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं आगे का क्या सीन है। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, गेट बना हुआ है, नेटरहाट में आपका स्वागत है, ये वादियाँ आपका स्वागत करती है।
वादियाँ तो वाकई में कमाल की वादियाँ हैं दोस्तों। और यहाँ पे कुछ कुछ बताया गया है कि कौन सा चीज़ यहाँ पे कितना दूरी पे है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। नेतरहाट 7.5 किलोमीटर, कोयल व्यू पॉइंट जो है 9 किलोमीटर, अपर घाघरी जलप्रपात 11.5 किलोमीटर, मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट आपका 15.7 किलोमीटर और लोअर घाघरी जलप्रपात 16 किलोमीटर। मैं सारी चीज़ को कवर करने का कोशिश करूँगा। तो फिलहाल जो आज का जो ब्लॉग रहेगा, ये ब्लॉग आपका बनेगा सनसेट तक। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सनसेट तक कवर करूँ, और इसके बाद मैं आपको अगले ब्लॉग में ला के दिखाने वाला हूँ। तो आज की इस ब्लॉग में आप सनसेट तक इन्जॉय कीजिए, इसके बाद कल आपको सनराइज़ वगैरह देखने। और दोस्तों अभी हम लोग इन कर चुके हैं मेन गेट से, और मेन गेट से अंदर आने के बाद चढ़ाई तो है, लेकिन जो नज़ारा है ना भाई साहब, आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का है। लोकल लोग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे भेड़ बकरियाँ चराते हुए, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी क्या बोलूँ यार, मत समझ में नहीं आ रहा है। जो नज़ारा देख के सामने में जो मज़ा आ रहा है हमें, और जो फीलिंग है मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। आप यार प्लीज़ एक बार यहाँ पे आओ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको, इस वीडियो को सिर्फ एक शेयर करना, अपने लोगों तक पहुंचाना, और यहाँ पे आने को ज़रूर बताना। मतलब यहाँ पे आने के बाद जो मज़ा आएगा, जो माहौल मिलेगा, आप बता नहीं सकते हैं, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद आगे और देखते हैं क्या सीन आता है देखने को। झारखंड का गौरव नेतरहाट में आपका स्वागत है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नेतरहाट। ये है नेतरहाट का बाजार टार, जहाँ पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ खाने वाने को मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा देर समय स्पेंड करने वाले हैं, और इसके बाद आपको देखिएगा यहाँ पे सारा जगह कहाँ पे क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं सनसेट देखने, जो कि यहाँ के लिए काफ़ी फेमस है। और मैं बात करूँ नेतरहाट बाजार टावर से, इसकी दूरी 9 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोगों को यहाँ से 9 किलोमीटर जाना है, और 9 किलोमीटर जाने के रास्ते में आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल कमाल का सीन आ रहा है। हालाँकि वहाँ जाके हमको देखना है कि सनसेट कैसा आज का होता है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा भी कि काफ़ी बादल किए हुए हैं। तो सनसेट का मज़ा हम लोग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये तो वहाँ जाने के बाद ही समझ में आएगा और क्या सीन आएगा। तो प्लीज़ यहाँ तक अगर आप हमारे वीडियो को देख चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कीजिए, क्योंकि इस वादियाँ में आने के बाद जो वीडियो बना है और जो आनंद मैं आपको देने वाला हूँ, उससे काफ़ी मज़ा आएगा। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है भाई, और एक लाइक करो, एक सब्सक्राइब करो, और शेयर करना एकदम मत भूलना। और फाइनली का जो भी समय हुआ, शाम के 5:15, 5:15, और अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट व्यू के लिए। हालांकि उस लोकेशन पे आ गए हैं। एक्चुअली मैं आपको एक बार दिखा दूँ, जो आपको इधर भीड़ दिख रहा होगा एक बार आप देख सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है कि हम लोगों को लगभग आधा किलोमीटर पीछे ही अपना गाड़ी पार्क करना पड़ रहा और आगे जाना पड़ रहा है पैदल। तो सनसेट के बाद आज का ब्लॉग मैं लास्ट करने वाला हूं, इसके बाद कल का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी हम लोग को अभी तक होटल नहीं मिला है। मैंने एक बार यहां पे बात किया था, राहुल जी करके कोई है यहां पे, उनसे बात किया था, लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि नहीं, वो बोले कि 2 बजे अगर आप आते तो ही आपको रूम यहाँ पर मिलता। तब तक रूम मिला नहीं है, शाम में रूम भी ढूँढना है। तो मैं सोचा चलो सबसे पहले सनसेट का मतलब आनंद उठाया जाए, देखा जाए। और भी काफ़ी सारे सीन मैं यहाँ पे कवर किया हूँ, जो कि इस ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी का जो यहाँ का स्कूल और जो भी यहाँ पे मतलब जो जो चीज़ यहाँ पे देखने का है, मैं कोशिश करूँगा कि कल का सनराइज़ भी आपको काफ़ी अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये सारी चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और अभी चलिए यहाँ से चलते हैं, जो मेन सनसेट व्यू पॉइंट है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ऑल राइट गाइज, ये था सनसेट का व्यू। हालांकि मौसम क्लाउडी होने की वजह से उस टाइप का सनसेट हम लोग नहीं देख पाए जिस टाइप का हम लोगों को देखना चाहिए था, जिस टाइप का व्यू आना चाहिए था। फिर भी आप अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भीड़ का, तो आप देख सकते हैं कितना कमाल का भीड़ लगा हुआ है यार। मतलब कम से कम 1000 लोग यहाँ पे होंगे ही होंगे, इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। और मैं जो फिलहाल वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आके वीडियो शूट कर रहा हूँ,
तो आज की इस ब्लॉग में बस आपको यही दिखाने वाले थे। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप नेटर आ जाते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो पहले से होटल वोटल का व्यवस्था कर लें, आपको ज़्यादा बेटर होगा। बाकी कल के ब्लॉग में देखते हैं क्या क्या सीन देखने को मिलता है। हालांकि अभी जाके हमें होटल भी देखना है तो पहले होटल ढूंढ लेते हैं।